मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ अभी चल रही है। इसी मुठभेड़ में हमारे दो जवान शहीद भी हो गए। मुठभेड़ में सेना के तीन जवान ऐसे हैं जो कि जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। गागर मांडू के कोकरनाग में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ की खबर है, जिस तरीके से अभी अनंतनाग में ये मुठभेड़ चल रही है, कहा जा रहा है जंगल का इलाका है, 4 से 5 आतंकी हैं जो कि इस जंगल के इलाके में छिपे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की है। रह रहकर दोनों ही साइड से फायरिंग हो रही है। गागर मांडू के कोकरनाग में यह सर्च ऑपरेशन जारी, जिसमें आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बल के जवानों की है। हमने 2 वीर जवानों को और खोया। ये घटना कोकरनाग अनंतनाग में हुई है, जहां 2 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी हुए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये पीर पंचाल रेंज है, माउंटेन रेंज। इसके इस तरफ डोडा है और दूसरी तरफ अनंतनाग कोकरनाग का इलाका पड़ता है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप जिसने यहाँ देसा डोडा में मुठभेड़ में हमारे 5-4 जवानों को शहीद किया था, लगता है यही ग्रुप इस पहाड़ से पीर पंचाल से क्रॉस करके उस तरफ गया है, या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इस ग्रुप को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए और इनको जहन्नम में पहुंचाया जाए। जिस तरीके से कोशिशें अभी हो रही हैं सुरक्षा बल के जवानों की, आतंकियों तक पहुंचना और उन्हें ढेर करना, जंगल का इलाका है, चैलेंजेस बहुत से सामने आ रहे हैं। और 4 आतंकियों के स्केच भी इन दिनों जारी किए गए हैं। जानकारी ऐसी कि इससे पहले ये आतंकी सेना पर हमले के लिए अपनी भूमिका निभा चुके हैं और अब सुरक्षा बलों की बारी है इन आतंकियों को ढेर करने की। करीब 2 महीने पहले जो सेना के जवानों पर हमला हुआ था, उसमें इन्हीं आतंकियों का हाथ है, जो अभी सोर्सेज के हवाले से खबर है। गागर मांडू के कोकरनाग में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग के इस सर्च ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा बल के जवान कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 2 जवानों की शहादत हो गई है इस मुठभेड़ के दौरान और 3 जवान जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आशिक मीर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशिक, अनंतनाग में ये जंगल का इलाका है जहां पर मुठभेड़ चल रही है, इसमें बड़ी बात यह भी कि 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, शहादत उन्हें मिली है, 3 जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान यूं तो ऐसे भी अग्रेसिव रहते हैं आतंकियों के खात्मे के लिए, लेकिन जब अपने साथी जवानों को खो दें तो अग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी क्या अपडेट है इस सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ को लेकर? ऐलान गांव की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कल दोपहर को इत्तला मिली थी कि कुछ आतंकी इस जंगलाती इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें इंडियन आर्मी और CRPF जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इस पूरे इलाके का घेरा किया और छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में फिलहाल 2 सेना के जवान जो है इस मुठभेड़ में गंभीर तौर पर घायल हुए थे, जिनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर वो जख्मों की दाब न लाते हुए दम तोड़ गए। और इस मुठभेड़ में फिलहाल सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं और 1 सिविलियन की भी डेथ हुई है और कुछ सिविलियन और जख्मी हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, कोकरनाग का ये इलाका जो है पिछले साल भी इसी इलाके में इसी जगह पर मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पर सेना को काफ़ी भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 DSP की भी जान उस एनकाउंटर में चली गई थी। यानी ये एक ऐसा इलाका है जो पूरी जंगलाती दरख्तों से घेरा हुआ है और इन जंगलाती दरख्तों का सहारा ये आतंकी बार बार ले रहे हैं, चाहे हम जम्मू के डोडा की बात करें या किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों की बात करें। तो बीते महीनों में हम देख रहे हैं किस तरह से ये आतंकी जो है इन जंगलों का सहारा लेकर सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करके इन जंगलों में छुप जाते हैं। फिलहाल अभी की स्थिति यह है कि इस जगह पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो इन आतंकियों को ढूंढने के लिए जो है वहां पर प्रयास कर रहे हैं और सेना के पैरा कमांडोज को भी इन जंगलाती इलाकों में उतार। आशिक मीर, एक तरफ तो अनंतनाग में यह ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ से भी ऐसी खबरें हैं।
दोनों ही जगह मुठभेड़ में आमना सामना, एक तरफ सेना के जवान है, दूसरी तरफ आतंकी है, छिपकर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अनंतनाग में तो हमने दो जवानों को खो भी दिया है। ये जो एक के बाद एक के बाद एक ये कोशिशें हो रही हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अगर हम यूपी के इलाकों की बात करें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर बहुत सारे आतंकी कैंप्स आज भी चल रहे हैं, जहाँ पर आतंकियों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और बीते महीनों में हमने देखा कि लगातार घुसपैठ की कोशिशें की गई, चाहे हम कुपवाड़ा के केरन लोला मसल सेक्टर की बात करें तो इन जगहों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये घुसपैठ करने में कहीं से सफल हो जाते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो ये रीज़न है जिससे कि अगर हम आज की बात की आज के देश की बात करें, जितने भी टेररिस्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उनकी संख्या ज़्यादातर 80 से 90 तक है, और इन सभी का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। और सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि जिस हिसाब से अब विधानसभा के इलेक्शन के लिए जो है बातें चल रही है, और बीते दिनों हमने देखा कि ईसीआई की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची और खास तौर पर यही जायजा लेने के लिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन कराए जाए। सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न था इस हवाले से, जो कि सारा कुछ देखना पड़ा और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे मीटिंग ली गई, और सबसे बड़ा कंसर्न यही है, ग्रोविंग कंसर्न, जब भी यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से कोई भी सरगर्मी होती है तो पार बैठे जितने भी आतंकी कैंप्स हैं वहाँ पर यही चीज़ होता है कि किस तरह से यहाँ पर अमन की सूरत हाल जो 2019 के बाद बनी है इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। और यही कुछ हम देख रहे हैं बीते महीने से लगातार, किस तरह से सेना के जवानों पर हमला, सिविलियन टारगेट किलिंग, ये चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं। और इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे हैं कि 15 अगस्त के मौके पर जो है एक बड़ा हमला करने वाले हैं आतंकी, और इन सब को रोकने के लिए सेना की तरफ से लगातार इन आतंकियों पर प्रहार करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। जी, ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों की सफाई की कोशिश है। 15 अगस्त नज़दीक है, 5 अगस्त बीता है, जब आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल पूरे हुए, उससे पहले कारगिल विजय दिवस, और अब चूंकि फेस्टिवल सीजन भी ऑन है आशिक मीर, चूंकि फेस्टिवल सीजन जब लोगों में खुशी का माहौल होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग उस खुशी को इंजॉय कर रहे होते हैं, और ऐसी खुशियों में ही खलल डालने का काम सीमा पार से करवाया जाता रहा है, इसलिए भी ये कोशिशें तेज़ हुई हैं 15 अगस्त के साथ साथ। बिल्कुल, 15 अगस्त पर ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिला है कि यहाँ पर आतंकी कुछ बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें 2019 से पहले की तो यहाँ की सड़कें अक्सर यहाँ पर पत्थरबाजी जो है विकसित करती थी, यहाँ पर वीरान सड़कें और कुरियर के दफ्तर लगातार चलते रहते थे, वहाँ पर बैठकों का दौर चलता रहता था, वहाँ पर यही मंसूबा बनाया जाता था कि किस तरह से यहाँ पर हालातों को ख़राब किया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक किस तरह से लोग आसानी से अपना कारोबार करते हैं, रात भर यहाँ पर लोग चलते हैं, और यही कुछ जो है अब कहीं ना कहीं इन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए ये चीज़ें की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर फिर से एक बार जो है डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिशें की जा रही है, और वो सब कुछ हम लगातार देख रहे हैं। और इस वक्त भी अगर हम आतंकियों की संख्या की बात करें, 80 से 90 जो आतंकी हैं इनका सीधे तौर पर ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है, क्योंकि कश्मीर में जो आतंकी जंग लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं हार चुके हैं, यहाँ पर लोकल सपोर्ट, लोकल टेररिस्ट जो है अब रिक्रूट नहीं होते हैं, और अब सीमा पार से ही पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को घुसाने की लगातार कोशिशें कर रही है। और बीते दिनों भी हमने देखा कि कुपवाड़ा के मसल सेक्टर से किस तरह से बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से ये कोशिश की गई कि इन घुसपैठियों को दोबारा से जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जाए, और इंटेलिजेंस एजेंसी को ये वो इनपुट है कि SSG कमांडो जो पाकिस्तान आर्मी के हैं वो भी अब जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों के साथ मिले हुए हैं और इन आतंकी घटनाओं को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जी, मौसम किस तरह का बना हुआ है आशिक, चूंकि जब जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है, जंगल का इलाका है, तो इस तरह के ऑपरेशंस में जाहिर सी बात है कि दिक्कत आएगी, अगर धूप खिली हुई है, अगर अच्छी रोशनी है तो फिर क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे, आतंकियों तक पहुँच पाएंगे सेना के जवान। बिल्कुल, अगर हम कोकरनाग के ऐलान इलाके की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही बारिशों का तेज सिलसिला जो है जारी रहा, और इन आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हिली टेरेन से काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों से लगभग बताया जा रहा है कि 10,000 फीट ऊँचे जंगलाती एरिया में ये आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्वेलेंस की जो है मदद ली जा रही है, और साथ ही साथ पैरा कमांडो जो कि भारतीय सेना के एक अहम
कह सकते हैं हम एक जंगजू होते हैं जो इन आतंकियों को ढूंढने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं, और इन तरह कमांडोज को जो है अहल के इन जंगलाती इलाकों में उतारा गया है। साथ साथ किश्तवाड़ की जहां तक बात आती है, जहां पर किश्तवाड़ में आतंकी छुपे हुए हैं, वो भी एक जंगलाती इलाका है। और ये भी पता चला है कि डोडा में जो कुछ महीने पहले सेना पर हमला किया गया था, ये वही आतंकी है जो अनंतनाग पहुँचे हैं और यहाँ पर भी इसी तरह की ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रुक रुक कर बारिश हुई है, बारिश के बाद जंगल के इलाके में अलग अलग चैलेंजेस का सामना सेना के जवानों के जरिए हो रहा है, साथ ही साथ जानकारी ऐसी कि करीब 2 महीने पहले जो सेना पर हमला हुआ था उसमें भी इन आतंकियों का हाथ हो सकता है, अलग अलग वक्त पर जो संदिग्ध देखे गए हैं उनमें से भी 4 स्केच ऐसे हैं जो लोगों के बीच में लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत सेना को इसकी सूचना दी जाए और उसे जानकारी देने वाले के नाम पते और बाकी जानकारियों को गुप्त रखा जाएगा, इनाम भी मिलेगा। ये जो अलग अलग कोशिशें हो रही हैं आशिक मीर, सेना जो हमारी है वो 24 घंटे 7 दिन काम भी कर रही है, मुस्तैदी के साथ ड्यूटी भी, आतंकियों के खात्मे की कोशिश भी, कई कोशिशें ऐसी हैं जो नाकाम हुई भी हैं, आतंकी ढेर हुए भी हैं, बावजूद इसके इन साजिशों में इजाफा क्यों हो रहा है, रीजन पीछे क्या हो सकता है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान की जलन भी हो सकती है, लोकसभा इलेक्शन क्या जहन में हो सकता है, आने वाला विधानसभा इलेक्शन की भी क्या जहन में हो सकता है, पाक अधिकृत कश्मीर जहन में हो सकता है, यहाँ हमारा कश्मीर कितना अमन चैन के साथ है, ये सब जहन में होगा। बिल्कुल, जिस हिसाब से हम बात करें 2019 के बाद जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के हालात बदले, खासतौर पर कश्मीर में जो लोग सड़कों पर होते थे, पत्थरबाजी होती थी, अलगाववाद आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा थी टेररिस्टों के साथ, वो ख़त्म हो गई, वो सब कुछ जो है अब ख़त्म हो रहा है। और बीते कुछ महीने पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन करवाए गए, साउथ कश्मीर जैसे वोलाटाइल इलाके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म का फील था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट लोकल टेररिज्म की थी और उन इलाकों में 60 से 70% वोटिंग हुई उन पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर बॉयकॉट का ज़्यादा असर रहता था, जिन इलाकों में लोग वोट के नाम से डरते थे और इन इलाकों में लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा डालने के लिए आए, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए एक कहीं बुरी खबर भी है जो ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हम हालात आहिस्ता आहिस्ता सुधर रहे हैं। और रीजन यही था कि कश्मीर में ये आतंकी जो है ये पाकिस्तान जो है जंग हार चुका है और इनको मान भी रहे हैं क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट ना के बराबर हो रही है, इसीलिए फोकस सारा जो है अब जम्मू के इलाकों में हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों से किस तरह से जम्मू के इलाके को डिस्टर्ब किया जा रहा है, चाहे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाके। और ज्यादातर अगर हम देखें तो कश्मीर में लोकल सपोर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं है, कश्मीर में इन आतंकियों का सफाया होता है, जब भी आतंकी यहाँ पर होते हैं तो इनका मुकाबला सेना के जवान पहुंचे और एक दिन में ये आतंकी जो है ढेर हो जाते हैं, लेकिन आज की स्थिति अलग है, आज कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में बदलाव आया है कि जम्मू के इलाकों को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश की आतंकी बार बार कर रहे हैं। और हमने देखा कि इसी साल के योग दिवस के मौके पर जब प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्होंने एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे दिया कि जम्मू कश्मीर के साथ है, वो जम्मू कश्मीर के आम इंसान के साथ है और यहाँ पर अमन का पैगाम जो है जम्मू कश्मीर के बीच में दिया उन्होंने कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरा केंद्र है और पूरी भारत सरकार है और यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हिसाब से टूरिज्म के लिहाज से जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है और डेवलपमेंट का दौर वाकई तौर पर चल रहा है, यहाँ पर हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं जो आज से पहले कभी देखा नहीं था, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे जितने भी आतंकी संगठन हैं उनके लिए ये चिंता का विषय है। जी नज़र आप रखिएगा, चूंकि दो जगह अनंतनाग और किश्तवाड़ दोनों ही जगह ये अभी मुठभेड़ की खबर है जहां सेना के जवान आतंकियों को खदेड़ने के लिए, उन्हें ढेर करने के लिए कोशिशों में लगे हैं। जो भी अपडेट होगा आशिक मीर आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।